तो दोस्तों, मैं घर पे किस तरह से घी निकालती हूँ आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इजी और आसान तरीके से। तो आप मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहिए। और मार्केट के घी और घर के घी में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, तो इसलिए मैं घर पे ही घी बनाती हूँ। वो चीज़ आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, एक आसान और इजी तरह से नई ट्रिक के साथ आई हूँ। तो आप मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए मेरे साथ आप सभी को श्री शिवाय नमस्ते। तो आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ मैं किस तरह से इजी और आसान तरीके से मलाई से घी निकालती हूँ। तो मैंने 2-3 घंटे पहले फ्रीज से इसको बाहर कर दिया है। अब मैं किस तरह से घी निकालूंगी वो आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैं न मिक्सी का इस्तेमाल करती हूँ और न ही ग्राइंडर का। मैं किस तरह से इजी तरह से निकालती हूँ वो चीज़ शेयर करूँगी। तो आप बने रहिए और देखिए, और मैं आपको दिखाती रहूँगी। आप भी इसी तरह से एक बार मेरी तरह ज़रूर ट्राई करिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ। कढ़ाई ले ली है, इसके लिए गहरा सा बर्तन लेना है। अब हम इसमें डालेंगे मलाई। इस तरह से हम लोग सारी मलाई उस पर डाल देंगे। तो देखिए, इसको हम थोड़ा चम्मच की सहायता से इस तरह से स्मूथ कर देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हो रहा है। ऐसे आप चलाते रहिए थोड़ी देर तक। इस तरह से देखिए दोस्तों, इतना सा स्मूथ हो गया है ये। अब मैं अपने हाथों की सहायता से इस तरह से मलाई को मथ के मैं मक्खन निकालूंगी, वो चीज़ आपको दिखाऊंगी। तो आप देखिए इस तरह से कर लीजिए ये अपने हाथों से। केवल इसमें 5 मिनट भी नहीं लगता है, जल्दी से निकल जाती है मलाई से मक्खन। ये देखिए, ये देखिए बनने लग गया है। मिक्सी और ग्राइंडर में बहुत ज़्यादा लफड़े हो जाते हैं, मुझे वो पसंद नहीं है। पूरी घी मलाई सब उस पर छन जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा बर्तन न लगाते हुए केवल कढ़ाई की सहायता से बना लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए, अब इसमें पानी आने लग गया है, पानी छोड़ने लग गई मलाई। बनाइएगा जरूर एक बार। अगर आपको मेरी रेसिपी, मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए दोस्तों, मेरी मलाई से मक्खन बन के रेडी होने वाला है। अभी मेरे को 3 मिनट ही हो गए हैं इसको मलते हुए। बहुत आसान तरीका है ये, इस तरह एक बार आप जरूर बनाइएगा। ये देखिए, जो ये इस तरह से इसमें मट्ठा सा निकलता है, इसने छोड़ दिया है। ये अभी बनने वाला है जल्दी से, तो मैं आपको अभी और दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरी मलाई से मक्खन बनके रेडी हो गया है। ये देखिए, मट्ठा भी इससे निकल गया है। ये देखो, मैं इसी तरह से घर पर घी भी निकाल लेती हूँ, मट्ठा भी यूज हो जाता है। और मट्ठा कड़ी के उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पी सकते हैं। इसी तरह से आप भी बनाइएगा। देखो, अब हम इस तरह से घी निकालेंगे। तो अब हम इसमें ठंडा पानी मिला के इसको इस तरह से साफ कर देंगे। एक दो बार इसको इस तरह से धो के हम साफ कर देंगे। ये देखिए, मैंने निकाल दी इसके। तो
देखिए दोस्तों, अब मैंने गैस ऑन कर दी है, कढ़ाई को चढ़ा दिया है, अब एक घी बनने लगा है। अब इसको हम लेकिन चलाते रहेंगे, इसको हम जितने अच्छे से चलाते रहेंगे घी उतना ही अच्छा बनेगा हमारा। इस तरह से गर्म हो जाए जल्दी से, मैं आपको दिखाती रहूँगी, तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए ये सारा मक्खन मेल्ट हो गया है, अब हम इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। अगर हम इसको इस तरह से चलाते रहेंगे ना, घी बहुत अच्छा बनेगा हमारा। और अब मैंने गैस की आंच को भी स्लो कर दिया है, क्योंकि इस तरह से पकता रहेगा और हम इसके साथ अपने दूसरे काम भी कर सकते हैं। लेकिन इसको बीच बीच में चलाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो नीचे चिपक जाएगा। मैं इसी तरह से घर पर घी बनाती हूँ हमेशा, मैं कभी घी खरीदती नहीं हूँ। मेरे 15 दिन में 1 किलो घी बन जाता है, और मैंने ना मिक्सी का इस्तेमाल किया ना ग्राइंडर का, इजी और आसान तरीके से बनाया। और इसमें ज़्यादा बर्तन भी नहीं फैलते हैं, केवल एक कढ़ाई लगती है बस। लेकिन आप जब मलाई से मक्खन निकालेंगे उसको बहुत अच्छे से साफ कर लीजिए पानी से, ठंडे पानी से धो के, घी भी बहुत अच्छा बनता है। इसी तरह से इसको चलाएंगे, घी बहुत अच्छा बनेगा। आपको दिखा दो, हमारा घी बन के रेडी हो गया है। तो दोस्तों आप एक बात का ध्यान जरूर रखिए, जब भी आप घी बनाएंगे घर पर, उसके लिए आप बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल करिए, क्योंकि जब ये गर्म हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो ये ऊपर को आने लगता है और इसमें गिरने का बहुत डर रहता है। इसलिए आप हमेशा घी बनाते समय बड़ी ही कढ़ाई का इस्तेमाल करिए, तरह से घर पर घी बनाइए। जो हम घर पर घी बनाते हैं ना, उसको खाने का मजा ही कुछ और है। इसकी खुशबू इतनी मस्त आ रही है। बच्चों के पराठे बनाइए और जैसे दाल में डालिए, बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत टेस्ट भी आता है। और हलवा जब हम बनाते हैं, जो बना हुआ टेस्ट ही अलग होता है। आप इसी तरह से घी बनाइएगा, मेरा घर बन के रेडी हो गया है। और मेरा कितना घी बनेगा वो आपसे मैं शेयर करूंगी। तो चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। रेडी हो गया है, कितना सुंदर कलर आया हुआ है। अब जब ये हम गैस बंद कर देंगे, तो मैं एक नई ट्रिक अपनाने वाली हूँ अपनी मम्मी की। जो जब मेरी मम्मी घी बनाती थी तो मैं देखती थी, तो मैं उसी तरह से वो ट्रिक आपसे फॉलो करने वाली हूँ। वो क्या है वो देखिए, जब हम गैस बंद कर देंगे तो इसमें हम हल्का सा इस तरह से पानी डाल देंगे। ये देखिए पानी क्यों डाल रहे हैं, जो घी होगा ना आपका सारा अच्छे से ऊपर आ जाएगा।
जो इसमें नीचे जो इसका रहता है वो नीचे, ये देखिए नीचे बैठ जाएगा, तो हमें घी निकालने में बहुत आसानी होती है। आसान और इजी तरह से हम घी निकाल सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। तो इसी ट्रिक के साथ आप भी घर पे घी बनाइए, और आपको मेरी घी वाली रेसिपी बनाने की अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो मिलती हूँ एक और इसी तरह नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।